नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, आज बात करेंगे आईटीआई सेकेंड ईयर और यह पेपर आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी मिल जाएंगे। आज हमारे किसी बच्चे ने ये एग्ज़ाम देखा है और उसने हमारे साथ लगभग 20 या 25 क्वेश्चन शेयर किए हैं, तो आप इस वीडियो में लास्ट जरूर बने रहना, जिससे कि आगामी आपके सीबीटी एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। साथ ही जिन बच्चों ने आज एग्जाम दी है वो भी इस पेपर का एनालिसिस करना और मिलाना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट है, कितने क्वेश्चन रॉन्ग है। साथ ही दोस्तों, हमने अब तक आपकी 4 से लेकर 9 तारीख तक के सीबीटी एग्जाम के सभी पेपरों का एनालिसिस कराया है। अगर कुछ बच्चों को अच्छा लगा है तो चैनल पर बने रहे, साथ ही अपने साथियों के साथ और शेयर कीजिए, जिससे आगामी जो आपका अगला फेज स्टार्ट हो रहा है 16 तारीख से, तो उसमें भी बच्चे जुड़े और उनको काफ़ी हेल्प मिले यहाँ से। सर दोस्तों, ये पेपरों की पीडीएफ फाइल है, जैसे अभी ये हमारे पास ये बच्चों ने शीट शेयर की है तो ये टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए आप अभी डिस्क्रिप्शन जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो जहाँ पर लिंक दिया हुआ है। अगर वहाँ पर भी ज्वाइन नहीं हो रहा है तो आप इसके लिए क्या करोगे, आपको आईटीआई फिर सीबीटी एग्ज़ाम पेपर के नाम से टेलीग्राम ग्रुप सर्च करना है और आपको ज्वाइन करना है, जहाँ पर हज़ारों बच्चे जुड़े हैं, जहाँ पर काफ़ी बच्चे की एग्ज़ाम चल रही है और काफ़ी बच्चे एग्ज़ाम दे के आते हैं, फिर इस प्रकार क्वेश्चन हमारे साथ शेयर करते हैं, जिससे आगामी जिन बच्चों की एग्ज़ाम होती है उनको काफ़ी हेल्प मिलती है। साथ ही दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना तथा बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त खराब ना करें, स्टार्ट करते हैं। और आज आपका क्वेश्चन क्या है, तो हमारा काम है बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करना, तो हम वही काम कर रहे हैं। अब आगे आपको क्या करना है वो आप करो, आपसे रिक्वेस्ट है कि बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था आज, संदर्भ तालिका के लिए उपयोग किए जाने वाला दूसरा शब्द क्या है, तो दोस्तों उसे बोलते हैं सूचना तालिका। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हानि प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो दोस्तों हानि प्रतिशत ज्ञात करने का है इसमें लॉस इंटू 100/CP, ये इंग्लिश में बच्चे ने आंसर उतारा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अगर 2 साल के लिए प्रतिवर्ष 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 20,000 रुपये जमा किया जाता है तो परिपक्वता राशि क्या है, तो दोस्तों इसमें आपको ये सूत्र लगाना था, इस प्रकार मान रखना था, और मान रखने पर 2 साल के लिए पूछा था, 2 साल का इस प्रकार मान रखा और मान हल करने पर आपका आंसर प्राप्त हुआ था 2150 से कितना, ये आंसर है दोस्तों, ठीक है, आप हल करके खुद देख लेना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये था। जिस बच्चे ने एग्जाम दिया वो जरूर मिलान करें, साथ ही जिन बच्चों का एग्जाम वो भी करें, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम रिपीट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ऊष्मा उपचार के विभिन्न चरण क्या है, तो दोस्तों ऊष्मा उपचार के विभिन्न चरण है हीटिंग, शॉकिंग और बुझाना समन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, कार्बन के प्रवेश के लिए एक कार्बोनिक्स वातावरण में स्टील को किस प्रक्रिया से गर्म किया जाता है, तो दोस्तों वो होती है आपकी कार्बोराइजिंग, यानी राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लंबाई तथा मूल लंबाई में परिवर्तन का अनुपात क्या है, तो दोस्तों वह है आपका रेखीय विकृति। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, बिंदु सी का नाम बताओ, यानी इस प्रकार का डायग्राम बना हुआ था और इसका नाम पूछा था कि सी बिंदु का नाम क्या है, तो दोस्तों इसे बोलते हैं हम प्रभाव बिंदु, यानी राइट आंसर क्या था, प्रभाव बिंदु। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, 5x^4 फिर बट्टे में x^5 x^3 का मान क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा x, यानी इस प्रकार इसको हल करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या आपका अगला, लो हल करते हैं इसको, क्वेश्चन है a+b+c का होल स्क्वायर का विस्तार क्या होगा, दोस्तों इसका राइट आंसर इस प्रकार आपको ऑप्शन में दिखा होगा, तो इसका राइट आंसर ये होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्थ की परिधि का सूत्र क्या है, ये सूत्र पूछा गया था उसका होता है 2πr। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अर्धवर्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, तो दोस्तों अर्धवर्त के क्षेत्रफल का सूत्र होगा π d² / 2। तो ये पहला ये सीट थी। अगले सीट की बात करें दोस्तों, अभी इस सीट में देखते हैं कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, और क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन पूछा गया था, एक वर्त के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहाँ होता है, तो उसके केंद्र में होता है, सबको पता है, तो राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ग के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र क्या होता है, तो दोस्तों इसमें आपका आंसर आएगा 30, यानी इस प्रकार का ये दिया था और उसका केंद्र ज्ञात करना था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है सही कथक कौन सा है। तो दोस्तों सही कथक आएगा इसमें स्लाइडिंग घर्षण और लिमिटिंग घर्षण से कम होता है, यानी आपका स्लाइडिंग घर्षण है वो आप हमेशा लिसनिंग घर्षण से कम होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था स्नेक का उद्देश्य क्या है, तो घर्षण को कम करने के लिए हम स्नेक यूज में करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, और क्वेश्चन आपका कौन सा प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है, तो दोस्तों वह आपका सरकारी विभाग, यह आपका एम्प्लॉयमेंट स्किल का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है मशीन इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट पुस्तिका क्या है, तो दोस्तों वह होती है आपकी मार्क स्टैंडर्ड, यानी उसका मार्क स्टैंड होता है यानी कितना नंबर का किस प्रकार क्या है। अगला है साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाते हैं, दोस्तों ये हम एन से दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों शब्द क्या है अगर कोई लेख खरीदा जाता है, तो दोस्तों वो होता है आपका क्रय मूल्य, क्या होता है क्रय मूल्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक सामग्री है, तो दोस्तों वो आएगी विनाइल पॉलीमर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों ए इंटू ए स्क्वायर इंटू ए थ्री इंटू ए फोर का मान क्या होगा, तो दोस्तों ये होगा 1^10। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है यदि अक्ष पॉइंट 120 बराबर 960 हो तो अक्ष का मान क्या होगा, दोस्तों ये इस प्रकार मान था तो यहाँ पर इसको अक्ष बराबर ये था तो इसको हल करने पर आएगा इसका 8 आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किसी गोले के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र क्या है, तो दोस्तों वो होता है केंद्र। लास्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से 24 नंबर क्वेश्चन, और ये हम ऐसे देखेंगे, क्वेश्चन था यदि शरीर तथा समतल के बीच घर्षण 0.2 है तो द्रव्यमान 60 केजी के शरीर को 5 मीटर की दूरी पर ले जाने के लिए क्या कार्य किया जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा 60 मीटर किलो आंसर इसका आएगा। तो दोस्तों ये हमें क्वेश्चन मिले थे, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर करना और अधिक से अधिक साथियों को टेलीग्राम ग्रुप पर जोड़ना जिससे आगामी एग्जाम में उनको हेल्प मिले। तो थैंक यू दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही।